के भी जलाओ दीपक अमर प्यार का तुम। रवि से छोटी तुम में जलना शीत भी गलना यही चुनौती बनूंगी जेता सारे जगत के तुम का तुम ही आज क्रिस्त के भी जलाओ दीपक अमर प्यार का सारा जहां है उसका जो मुस्कुराना सीख ले, रोशनी है उसकी जो समा जलाना सीख ले, हर गली में मंदिर है, हर राह में मस्जिद। स्वागतम स्वागतम स्वागतम
पल्ली के क्रूसवीरों को उनके सुंदर मधुर स्वागत गान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद कीजिए। तालियों की आवाज बहुत ही धीमी सुनाई दे रही है, जोर से बजाएंगे। धन्यवाद। ना कोई डर ना कोई भीकर, कुछ लागे यीशु ने सैतान कसूर, कुछ लागे यीशु ने सैतान कसूर। ना 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 ना। हाँ, अभी हम देख लिए, ये प्रैक्टिस था। अभी हम एक साथ नाचेंगे। जी हाँ, हाँ, जो जजेस हैं, टीचर्स हैं, एनिमेटर्स हैं, वो भी नाच सकते हैं। यीशु दोस्त मेरा, यीशु दोस्त तेरा, यीशु दोस्त मेरा, यीशु दोस्त तेरा। अपन कोई डर ना कोई भीकर, अपन कोई डर ना कोई भीकर, कुछ लागे यीशु ने सैतान कसूर, कुछ लागे यीशु ने सैतान कसूर। ना 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 ना
सभी सिस्टरों के लिए जोरदार तालियां और सबों के लिए भी जोरदार तालियां। पांचवा नंबर पैसा मिला जो खिलाड़ी वाले किए ना बच्चे लोग उनके पैसा। हेलो, कैसा लगा आप लोगों को एक्शन सॉन्ग? कैसा लगा? तो जोरदार ताली बजा देंगे। केवल मनोरंजन किए या संदेश भी लिए? मैं पूछी, शांत रहेंगे आप? केवल मनोरंजन किए या संदेश भी लिए? कुछ संदेश मिला? ठीक है, मैं बता देती हूँ। हमारे नवाटाड़ की धन बहनों के द्वारा जो एक्शन सॉन्ग हुआ था उसमें हम लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश था। यीशु क्या बन गया? यीशु क्या बन गया? दोस्त बन गया। तो हम सभी दोस्त बनाना चाहते हैं अपने जीवन में, बनाना चाहते हैं ना? कभी कभी हमारे दोस्त हमारे साथ छल कर देते हैं, धोखा भी दे देते हैं, लेकिन यीशु जो हमारे दोस्त है वे कभी हमारे साथ धोखा नहीं देते हैं। तो हम कैसा दोस्त बनाना चाहेंगे? किसे दोस्त बनाना चाहेंगे? हाँ, अगर आप यीशु को दोस्त बनाना चाहेंगे तो कभी धोखे में नहीं रहेंगे। कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। अतः मैं शुभ संदेश देने के लिए श्रद्धेय फादर एवियोस क्रिकेटा को सादर आमंत्रित करती हूँ। सबों को जय जीसु, जय जीसु। तो कैसा लग रहा है? अभी हम लोग नाटक देख रहे थे ना, खत्म हुआ क्या? और है कैसा लगा? और इसमें क्या संदेश मिला? क्या संदेश मिला? क्या संदेश मिला? क्रूसवीर तुम क्रिस्त की ज्योति हो। सबको ही बोलेंगे, वहां लिखा हुआ है। और जोर से, और जोर से वेरी गुड, अच्छा लगा। तो सबको ही बोले ना, अभी बोलो क्रूसवीर मैं जगत की ज्योति हूं। बोलो वेरी गुड। तो कैसा हम लोगों को क्रूसवीर जगत की ज्योति बनना है उसको नाटक के माध्यम से भी हम लोग देखे कि नहीं। जब हम लोग क्रूसवीर कहते हैं तो ये क्रूस को हम लोग जानते हैं, क्रूस है ऐसा एक टू डंटा को नीचे ऐसा गाड़ देता है, एक टू डंटा को ऐसा कर देता है ना, ऐसा ही बनता है ना, है ना, ये क्रूस हम लोग जान गए। लेकिन ये बीर, बीर जब बोल रहे हैं तो बीर कौन होता है? बीर कौन होता है? जो कठिनाइयों से लड़कर विजयी होता है उसको बीर कहते हैं, है ना। कठिनाइयों से लड़कर विजयी होता है उनको बीर कहा जाता है। फिल्म देखोगे तो उसमें हीरो बोलते हैं, है ना, जो कि कभी कभी बस को भी एकदम पकड़ के टिका देता है कि नहीं, चलता हुआ बस को रोक देता है, कभी कभी बिल्डिंग के ऊपर से डेक देता है ना, लेकिन कुछ नहीं होता है। और जो वहाँ पर मर रहा है या तो कोई तकलीफ में है ऐसे लोगों को क्या करता है? वो बचाता है। तो हम लोगों को भी वैसा ही वीर बनना है। लेकिन जब वीर का बात करेंगे तो ये हीरो जैसा नहीं, लेकिन हम लोग किसको याद करते हैं? कौन वीर होता है? कौन वीर होता है?
कौन? यीशु नहीं, वीर हम लोगों को, जो हम लोग देखते हैं रोज रोज के जीवन में, हम लोग किसको वीर कहते हैं? सैनिक लोगों को, है ना? सिपाही लोगों को वीर कहते हैं ना, वीर सिपाही, वीर जवान कहते हैं कि नहीं? तो जब हम लोग वीर कहते हैं तो सैनिक वीर होता है, और हम लोग क्रूस वीर हैं, मतलब हम लोग वीर हैं, तो हम लोग किसके सैनिक हैं? किसके सैनिक हैं? किसके सैनिक हैं? यीशु के। कुछ लोग नहीं जान रहा है किसका सैनिक है, है ना? क्रूस वीर हम लोग यीशु ख्रिस्त के सैनिक हैं। और जब हम सिपाही बोलते हैं तो सिपाही कहाँ होता है और किसका होता है? किसका सिपाही होता है? राजा का, है ना? राजा का सिपाही होता है, जो राजा के राज्य का रखवाली करता है, है ना? हमारे देश के सिपाही हैं कि नहीं? और उसका देश के जो सिपाही हैं वो देश की रखवाली करते हैं, और देश के लोगों की रखवाली करते हैं, और देश की संपत्ति की रखवाली करते हैं। तो जब हम सिपाहियों की बात करते हैं, सिपाही जो रखवाली करता है हमारे देश के सैनिक, किसी किसी के पिताजी लोग, किसी किसी के चाचा लोग, किसी किसी के भाई लोग भी सिपाही होंगे, हैं कि नहीं? हैं कि नहीं? किसके किसके घर से कोई सैनिक है, हाथ उठाएंगे? कोई सिपाही, कोई पुलिस है, कोई फौजी है, कोई, हाथ उठाएंगे? बहुत कम। तो तुम लोगों को बनना है, है ना? ठीक है, हाथ नीचे, बहुत अच्छा। तो सैनिक जब हम बोलते हैं तो सैनिकों का सबसे बड़ा बात, सबसे बड़ी बात होती है, वो क्या होता है? वो अनुशासन में रहते हैं, है ना? अनुशासन में रहते हैं। जब वे अनुशासन में रहते हैं तभी देश के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने राजा की रखवाली कर सकते हैं, अपने राजा के प्रजा की रखवाली कर सकते हैं, या तो उस देश के संपत्ति की रखवाली कर सकते हैं। तो हम लोगों के लिए भी, हम लोग क्रूसवीर हैं तो हम लोगों को भी अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है, है ना? अनुशासन में रहते हैं ना आप लोग? घर में भी अनुशासन में रहना है, स्कूल में भी अनुशासन में रहना है, गिरजाघर में अनुशासन में रहना है, सड़क में भी अनुशासन में रहना है, चाहे कहीं भी रहो अनुशासन में रहना है। और अनुशासन में रहोगे तो चाहे पानी आएगा ना, सिपाही लोग जब बॉर्डर में खड़े रहते हैं या तो कोई घर के सामने खड़े रहते हैं तो वहाँ रखवाली करते हैं, चाहे वहाँ पानी आता है, चाहे वहाँ आंधी आता है, चाहे तूफान आता है, चाहे ठंडा लगता है, चाहे गर्मी लगता है, एकदम वो लोग सावधान से खड़े रहते हैं ताकि वहाँ से कोई भी चोर बदमाश लुटेरा आ ना सके, अंदर आ ना सके, है ना? तो हम लोगों को भी अनुशासन में रहना है। और जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो बहुत हम लोगों को त्याग करना पड़ता है। आज हम लोग क्रूसवीर बच्चे, क्रूसवीर का जो हम लोगों को समर्पण प्रार्थना बोले, है ना? बोले कि नहीं? हम लोग क्रूस के प्रति, यीशु के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। और हमारा काम क्या है? हम लोग सिपाही हैं। क्रूसवीर क्या है? सिपाही, यीशु ख्रिस्त के सिपाही हैं। तो हमारा काम क्या है? किसकी रखवाली करना है? किसकी रखवाली करना है? किसकी? हमें आत्मा की रखवाली करना है, आत्मा को बचाना है, है ना? आत्मा को बचाना है और यीशु ख्रिस्त की रखवाली करना है, और यीशु ख्रिस्त की प्रजा की, यीशु ख्रिस्त की प्रजा, सभी लोगों को पाप से बचाना है, है ना? पाप नहीं करने देना है, अपने भी पाप नहीं करना है और दूसरों को भी पाप से बचाना है, पाप नहीं करने देना है, शैतान से बचाना है। हम सिपाही, हम क्रूसवीरों को किससे लड़ना है? किससे लड़ना है? शैतान से लड़ना है, और जो पाप करते हैं उनको बचाना है, शैतान के चंगुल में जो हैं। जहां नाटक देख रहे थे ना, किसको किसको बचाए? बच्चा लोग जो हुकुम नहीं मानते थे, तो अमरूद चुरा रहे थे कुछ लोग, है ना? और पिताजी लोग दारू पीते थे, उनको भी नहीं पियो बोलना है तुम लोगों को, बोलते हो कि नहीं? बहुत सारे पिताजी लोग, किसी किसी के चाचा लोग, किसी किसी के दादा लोग दारू पीते हैं, पीते हैं कि नहीं? हाथ उठाओ, किसके किसके घर के पिताजी लोग दारू पीते हैं और आके आप लोगों को मारते पीटते हैं, झगड़ा लड़ते हैं माँ से गांव में, बहुत सारे लोग। तो आप लोगों को क्या करना? हाथ नीचे, हमको भी पता है, है ना? हाथ नहीं उठा रहे हैं वो लोग का घर में भी पीते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुछ लोग लाज से हाथ नहीं उठा रहे हैं, है ना?
है ना, तो जो हाथ उठाए ईमानदार ईमानदार बने, बहुत अच्छा। तो हम लोगों क्रूसवीर बच्चों को किससे लड़ना है, शैतान से, और जो बुराई करते हैं पाप करते हैं उनको बचाना है, उनकी आत्मा को ईश्वर की ओर ले चलना है। और हमारे लिए सैनिकों का हथियार क्या है, सिपाही लोगों का हथियार क्या है, क्या है, बंदूक, तलवार, ढाल, बर्छा, हथौड़ा, हाँ, क्या क्या है सिपाही लोगों का हथियार, बंदूक, तोप और ये सब है ना, बम, बम भी है, ये सिपाही लोगों का हथियार है, और ये दुश्मनों से लड़ने के लिए है। लेकिन हमारा, हम जो क्रूसवीर हैं, हमारा ये बंदूक की तलवार, ढाल, टांगी या तो बर्छा, ये सब नहीं है हमारा हथियार। हमारा हथियार क्या है, और एक बार क्या क्या है, तो ये चार हथियार है, प्रार्थना, परम प्रसाद, प्रेरिताई और बलिदान, मतलब त्याग करना है। तो प्रार्थना करते हैं कि नहीं, आप लोग करते हैं कि नहीं, सब कोई करते हैं ना, अगर करते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं करते हैं तो करना है, और नहीं करोगे तो शैतान से लड़ाई नहीं कर सकोगे, शैतान आप लोगों से बहुत मजबूत है ना, और प्रार्थना करोगे तो शैतान एकदम दूर रहेगा आप लोगों से, और आप बुराई से बचे रहेंगे, पाप से बचे रहेंगे, और दूसरों को भी जो पाप करते हैं उनको बचा सकोगे, ये पहला हथियार। और क्रूसवीरों का सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना कौन है, क्रूसवीरों का सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना कौन है, सवेरे की विनती है ना, करते हैं, जैसे ही आपका आंख खुलता है बेड में ही आप सवेरे की विनती बोलिए, है ना, सवेरे की विनती बोलिए, और उस सवेरे की विनती में हम लोग नए दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, और इस नए दिन में हम कोई बुराई ना करें, पाप में ना गिरे, इसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो ये सवेरे की विनती सब कोई जानते हैं ना, सब कोई जानते हैं ना सवेरे की प्रार्थना, अभी नहीं बुलवाएंगे, है ना, अभी नहीं बुलवाएंगे, लेकिन सबको जानना है। क्रूसवीर बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना सवेरे की विनती है, और सवेरे की विनती हम लोग यदि रोज करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि आज हमको क्या करना है, और हम वही करेंगे जो हमको करना है, अच्छा काम करेंगे, माँ बाप का हुक्म मानेंगे, अपने शिक्षकों का हुक्म मानेंगे, बड़े लोगों का आदर करेंगे, और चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ये सब हम लोग पाप कार्य से हम बचे रहेंगे, और इसलिए हम लोगों को प्रार्थना जो सबसे पहला हथियार है हम लोग को जरूर करना है। और ये प्रार्थना हमारे लिए बहुत ही जरूरी, हम क्रूसवीर लोगों के लिए, हमें शैतान से दूर रहने, शैतान से बचने के लिए, शैतान से लड़ाई करने के लिए। और हमारा दूसरा हथियार क्या है, दूसरा हथियार क्या है, क्या है, परम प्रसाद। और परम प्रसाद क्रूसवीरों के लिए ये भी एक हथियार है, और इसको हम लोगों को हो सके तो रोज ग्रहण करना है, रोज मिस्सा में भाग लेना है। कौन कौन रोज परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, रोज मिस्सा में भाग लेते हैं, हाथ उठाएंगे, बहुत कम लोग, जो हॉस्टल में रहते हैं उनको मौका मिलता होगा, घर में रहते हैं उनको संभव नहीं है, लेकिन परम प्रसाद हम लोगों को लेना है। और ये परम प्रसाद हम लोग क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं परम प्रसाद, क्यों, हम मजबूत रहने के लिए, मोटा तगड़ा हट्ठा कट्ठा रहने के लिए क्या करते हैं, शरीर को मोटा तगड़ा बनाने के लिए, मजबूत रहने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, खाते हो कि नहीं, शरीर को मजबूत रखने के लिए, मोटा तगड़ा रखने के लिए, दुश्मनों से लड़ाई करने के सकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, और जितना अच्छा पौष्टिक भोजन खाएंगे उतना ही हम मजबूत रहेंगे, और कोई भी आदमी अगर हमसे लड़ाई करने आएगा तो हम उठा के पटक देंगे, है ना, सकेंगे कि नहीं, और लेकिन भोजन नहीं खाएंगे तो हम लेपड़ा जैसा रहेंगे ना, लपड़ लेपड़, कोई धक्का दे दिया तो भी हम लड़खड़ा के गिर जाएंगे, ऐसा होगा कि नहीं, हाँ। तो इसलिए ये भोजन
हम लोगों को शरीर की मजबूती के लिए जरूरी है, उसी प्रकार हमारी आत्मा की मजबूताई के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है? हमारे आत्मा को मजबूत बनाने के लिए क्या जरूरी है? परम प्रसाद। यदि हम परम प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हमारा आत्मा मजबूत रहेगा और हम प्रार्थना कर सकेंगे, हम शैतान से लड़ाई कर सकेंगे, हम अच्छा काम कर सकेंगे। हमारे आत्मा मजबूत रहेगा तो बहुत बार हमारे मन में लड़ाई होता है ना, जब हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं या तो कहीं बच्चे लोग खेल रहे हैं वहाँ हम देखते हैं तो हमारे आत्मा में लड़ाई होता है, आत्मा और शैतान के बीच में। हमारी पवित्र आत्मा कहता है कि तुम चोरी मत करो, अगर कोई अमरूद पका हुआ देखते हो सामने तो क्या कहता है हमारी जो आत्मा, क्या कहता है कि आप उसको चोरी नहीं करना है ना, चोरी नहीं करना है। लेकिन वही शैतान बोलता है कि अरे खा लो ना, अरे तोड़ के खा लो, कोई नहीं देख रहा है। और ऐसे में हम क्या करते हैं, अगर हमारी आत्मा मजबूत नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, चोरी करेंगे, तुरंत हम अमरुद को तोड़ेंगे और थैला में डालेंगे, छिप के खाएंगे, हमको कोई नहीं देखा लगेगा, लगेगा कि नहीं। और इसमें आत्मा मजबूत नहीं रहेगा तो हम पाप में गिर जाएंगे, वहां हम शैतान से नहीं लड़ पाए। घर में अगर माता पिता दारू पीते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हम उनको भी मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम खुद प्रार्थना नहीं करते हैं, परम प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, हमारी आत्मा मजबूत नहीं है, है ना। और इसलिए हम लोगों को परम प्रसाद जितना अधिक हो सके ग्रहण करने की आवश्यकता है। और तीसरा हथियार हम लोगों का क्या है, तीसरा हथियार हम लोगों का क्या है, प्रेरिताई। तो प्रेरिताई करना, हम लोग प्रेरिताई कैसे कर सकते हैं, प्रेरिताई जैसे यीशु ख्रिस्त जाते हैं लोगों के बीच और सुसमाचार का प्रचार करते हैं, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया पश्चाताप करो बोलता है। तो हम लोगों को क्या करना है प्रेरिताई में, प्रेरिताई में हम लोगों को सुसमाचार का प्रचार नहीं करना है, या तो हम लोगों को किसी को दान दक्षिणा नहीं देना है लोगों को घर घर जाके, लेकिन हम लोगों को क्या करना है प्रेरिताई में, हम लोगों को यीशु ख्रिस्त के बारे में बात करना अपने दोस्तों के साथ, यीशु ख्रिस्त जो काम हम लोग को करने के बोला है ना, कोई अगर बीमार है तो उसको देखने जाना है, उसके पास प्रार्थना करना है, आपके दोस्त लोगों के पास अगर पेंसिल नहीं है, पेन नहीं है तो उनको पेन देना है, इस प्रकार का छोटे छोटे काम के द्वारा हम प्रेरिताई का काम करेंगे, है ना। और इस प्रकार हम अपने हथियार का उपयोग करेंगे, हमारा जो क्रूस वीरों का जो तीसरा हथियार प्रेरिताई का काम है, हम लोगों को अपने जीवन के द्वारा माता पिता का हुक्म मानना है, है ना, शिक्षकों का हुक्म मानना है, और हम इस प्रकार हम प्रेरिताई करते हैं, एक अच्छा बच्चा बन के दिखाना है, दूसरों को दिखाना है कि हम सचमुच क्रूसवीर हैं, हम लोग क्रूसवीर का जो लाल क्रूस लगाए हैं, है ना, लगाए हैं ना क्रूसवीर वाले सभी कोई, तो इसको हमेशा लगाए रहना है, हमेशा लगाए रहोगे तो याद करोगे कि मैं क्रूसवीर हूँ और मेरा काम क्या है, अच्छा बच्चा बनना, माँ बाप का हुक्म मानना, अपने कर्तव्य कामों को ईमानदारी से करना, इसको हम लोग याद करेंगे और करेंगे। और इसलिए ये हम लोगों का चौथा तीसरा हथियार जो है प्रेरिताई, इसको हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, अच्छा बच्चा बन के हम लोग दूसरों को दिखाते हैं, दूसरे लोग लड़ाई करते हैं इसलिए हम भी लड़ाई करते हैं, दूसरे लोग चोरी करते हैं इसलिए हम भी चोरी करते हैं, दूसरे लोग हुक्म नहीं मानता इसलिए हम भी नहीं मानते हैं, ऐसा करते हैं तो हम प्रेरिताई का कार्य नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन द्वारा हम दूसरों को नहीं दिखा रहे हैं कि हम क्रूसवीर हैं, हम यही दिखा रहे हैं हम भी तेरे समान ही पापी हैं, दोषी हैं, कमजोर हैं, झूठ लहा हैं, है ना, ये ऐसा हम लोगों को नहीं बनना है। और हम लोगों का चौथा हथियार क्या है, चौथा हथियार क्या है, बलिदान। और ये बलिदान हम लोगों को यीशु ख्रिस्त ने हम लोगों को बचाने के लिए क्या बलिदान किया, क्या बलिदान किया यीशु ख्रिस्त ने मानव जाति को पाप से बचाने के लिए, किस क्या चीज का बलिदान किया, अपने आप को बलिदान कर दिया, है ना, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। तो हम लोगों को भी ऐसा बलिदान करना है, हम लोग अपने आप को किसी को बचाने के लिए अपना जान दे सकते हैं, हम लोग किसी को बचाने के लिए अपना जान देने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं कि नहीं, तैयार हैं। अगर आप लोग बलिदान देने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप क्रूसवीर बेकार के हैं, है ना, बेकार फालतू का ना। और यदि आप दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों को बचाने के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं तो सच्चे क्रूसवीर हैं। और हम लोगों को यहाँ
आप किसी को बचाने के लिए अपना जान देने की आवश्यकता नहीं है, है ना, अपना जान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम लोगों को कभी कभी, हम लोगों को क्या क्या चीज़ का त्याग करना है, कभी कभी लालच लगेगा हम लोगों को, लाल कोई चीज़ हम अच्छा चीज़ देखते हैं तो चुराने का मन करता है, तो उसको हम लोगों को त्याग करना है, नहीं हम नहीं चोरी नहीं करेंगे। कभी कभी हम कोई गलती कर दिए, अगर जान जाएगा तो पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, हमको मार मिलेगा, सजा मिलेगा, इसके डर से हम क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो ये झूठ का हम लोगों को त्याग करना है। हम लोग स्कूल में पढ़ाई हो रहा है और हम लोगों को नींद लग रहा है, हम झूप रहे हैं, घू घू चू ना, तो इसको भी हम लोगों को क्या करना है, त्याग करना है। अभी पढ़ाई का समय, हमको पढ़ाई करना है, अभी नींद नहीं चाहिए हमको, ये सब नींद को त्याग करना है। बच्चा लोग, दूसरे बच्चे लोग उधर बाहर खेल रहे हैं और माँ बोलती है कि, लड़की बच्ची को बोलती है कि पानी ला दो, लड़का बच्चा को बोलता है कि बकरी चराने जाओ, तो हम लोग नहीं, हम नहीं करेंगे ना, हम बर्तन नहीं मांजेंगे, हम पानी नहीं लाएंगे, हम बकरी चराने नहीं जाएंगे। तो ये इसको हम लोगों को त्याग करना है, खेलने का, आराम करने का, आराम को त्याग करना है। और इस प्रकार हम लोग त्याग करते हैं, छोटी छोटी बातों में हम लोगों को त्याग करना है। और इस प्रकार यदि हम त्याग करते हैं, त्याग का भावना हम में है, तो हम सच्चे ख्रिस्तीय हैं। तो आइए हम क्रूसवीर बच्चे, हम आज प्रण लें कि हम एक सच्चे ख्रिस्तीय, सच्चा क्रूसवीर बने रहें और यीशु ख्रिस्त को हम अपने आप का बलिदान, अपने प्रार्थना, परम प्रसाद, त्याग और प्रेरिताई के काम द्वारा हम यीशु ख्रिस्त को खुश कर सकें। यीशु ख्रिस्त की आशीष और कृपा हमारे जीवन में बनी रहे, है ना। तो मैं इतना ही बोलकर, आज जब हमारा क्रूसवीर तुम जगत की ज्योति हो ना, तो इसके लिए हम लोग, आप जैसे कि नाटक में देखे उसी प्रकार हम लोगों को ज्योति बने रहना है, अपने माता पिता का हुक्म मानना है, शिक्षकों का हुक्म मानना है, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करके एक बड़ा आदमी बनना है। जैसे पहला नाटक में हम लोग क्या देखे थे, पिताजी उनको, बच्चों को निकाल दिया, लेकिन वो बच्चों में क्या था, एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, क्या बनेंगे, एक बच्चा क्या बोला था फादर बनेंगे, दूसरा बच्चा क्या बनेंगे बोला था, बच्ची बोली थी सिस्टर, और दूसरा बच्चा क्या बोला था, पुलिस बनेंगे। हाँ, तो हम लोगों को भी, सबों को अपना लक्ष्य निश्चित रखना है, लक्ष्य निर्धारित रखो, क्या बनना है तुम लोगों को ना, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, फादर बनना चाहते हो, सिस्टर बनना चाहते हो, मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हो, प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, राष्ट्रपति बनना चाहते हो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उसके लिए कठिन परिश्रम करो, है ना, अपने नींद चैन सबको त्याग कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। तो इस प्रकार हम अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए क्या बनेंगे, जगत की ज्योति। तो इतना ही कहकर सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद फादर, आपके सुंदर प्रेरणादायक संदेश के लिए। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मिस सलोमी ज्योति लकड़ा आमंत्रित करती हूँ। आज के इस सुंदर दिन के लिए मैं सर्वप्रथम पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हम सभी को सुख स्वस्थ रखा है और हम भी प्रभु की महिमा कर पाए हैं। मैं आबा परमेश्वर को सभी विद्यार्थियों की ओर से और सभी जनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उसे यही दुआ करती हूँ कि हम सभी को सुरक्षित घर पहुँचाए और हम यहाँ जो भी संदेश ग्रहण किए हैं उसे हम लेकर जाए। तो आज के इस महान पर्व दिन के अवसर पर हमारे मुख्य अनुष्ठाता मांडर भिखारियट के परम आदरणीय हमारे डीन फादर प्रसन्न, मैं आपको पूरे क्रूसवीर बच्चों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपने हमारे लिए बहुमूल्य समय दिया है और हम सभी बच्चों का हृदय आपके प्यार से भर दिया है। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और दुआ करती हूँ कि हम सभी क्रूसवीर बच्चों का प्यार हमेशा बना रहे और आपकी प्यार रूपी वाटिका गुलाब फूल की तरह पुष्पित होती रहे। मैं आपकी लंबी जीवन की कामना करती हूँ, आपके कामों में ईश्वर की आशीष हमेशा बरसती रहे।
आज के इस महान दिन को सफल बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान हमारे रांची महाधर्म प्रांत के श्रद्धेय फादर एरेनियस केरकेट्टा को मैं पूरे क्रूसवीर छात्र छात्राओं की ओर से धन्यवाद देती हूँ कि उन्हीं के अथक परिश्रम से आज का यह दिन संपन्न हो पाया है। मैं उनके उदार हृदय और परोपकारी हृदय के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनके अच्छे सोच अच्छे विचारों के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ और ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि ईश्वर उन्हें हमेशा खुश और प्रसन्न रखे और उसको पवित्र आत्मा के सातों वरदानों से भर दे ताकि हम सभी क्रूसवीर बालक बालिकाओं को इसी तरह से खिलखिलाते हुए हंसाते रहे और हम सभी बच्चे हंसते मुस्कुराते अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आज के इस दिन में मैं सभी भिखारियट से आए हुए हमारे आदरणीय सभी फादरों को मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने हम बच्चों के लिए समय दिया और अपना योगदान इस क्रूसवीर रैली में दिया है। मैं सभी पल्ली के फादरों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और दुआ करती हूँ कि उनको ईश्वर हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रखे और अपनी सेवा में हमेशा आगे बढ़ाते रहे। मैं उनके अच्छे जीवन की कामना करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सभी धन बहनों को जिन्होंने आज बच्चों को इस तक पहुँचाया है, शिक्षकों का मार्गदर्शन किया है और बहुत तरीका से उन्होंने हम सभी को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया है। मैं सभी धर्म बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम दुआ करते हैं कि जिस तरह से वाटिका में बहुत फूल है लेकिन गुलाब के जैसा नहीं, उसी तरह से इस जगह में बहुत जन है लेकिन हमारे धर्म बहनों के जैसा नहीं, तो आप सभी अपने खुशबू को आगे फैलाते जाएं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आज सभी क्रूसवीर संचालक संचालिकाओं को। उन्होंने बहुत प्रयास के द्वारा अपने बच्चों को सिखाया, आपने कठिन परिश्रम किया, आप अपनी तकलीफों को ना सोचे लेकिन आपने बच्चों का भविष्य सोचा और आपने उनके लिए बहुमूल्य समय दिया है। मैं सभी क्रूसवीर संचालक संचालिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और दुआ करती हूँ कि ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ और खुश रखे, आपका परिवार ईश्वर की आशीष बरसती रहे। मैं आज विशेष रूप से आज धन्यवाद देती हूँ हमारे जजेस परम आदरणीय फादर नीलम, आदरणीय हमारे फादर वाल्टर और हमारे रांची महाधर्म प्रांत की हमारी महिला संघ शुभनेत्री मिसेस मर्था टोपो। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप तीनों ने हमारे बच्चों के लिए लिया समय दिया और आप अपने बड़ी मेहनत अपना मार्किंग किया, अपने योग्यता के अनुसार आपने बच्चों को अच्छे राह में चलने के लिए प्रोत्साहित किया है। मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ। सचमुच कहा जाता है बुद्धिमानों की वाणी ज्ञान बखानती है, बुद्धिमानों की वाणी ज्ञान बखानती है। सचमुच आप बुद्धिजीवी लोग अपने बहुत ही तरीका से बच्चों का नंबरिंग किया है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी कार्य करें हमेशा आपका काम अच्छा और सफल हो और आपका भावी जीवन सुंदर हो। मैं आज धन्यवाद चाहती हूँ हमारे फिल्म हमारे जो कुछ भी यहाँ प्रोग्राम हुआ उस प्रोग्राम को वीडियो बनाने में जो हमारे फादर रहे हैं आसिफ टोपो और उनके जो भी सहयोगी हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये हमारे लिए धरोहर के रूप में आज हमारी पहचान को रखे हैं। मैं फादर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनके साथ जो भी सहयोगी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मैं विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ हमारे गायक मंडली संत अलोबिस और संत रेसा के प्राचार्य महोदय फादर दानियल और सिस्टर मेरी जसिंता। मैं आप दोनों को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपने अपने बच्चों और शिक्षकों को समय दिया और आज के इस दिन को सफल बनाने में आपका बहुत सराहनीय योगदान रहा है। मैं पूरे दोनों विद्यालय के शिक्षक
शिक्षक शिक्षिकाएं और सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज के इस शुभ दिन में मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे सभी क्रूसवीर बालक बालिकाओं जो मंच पर आए और जो नहीं भी आए, सभी जनों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने अपनी कला बिखेरा है और हम सबों को संदेश दिया है कि हमें यीशु के पीछे कैसे चलना है। मैं आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप जो भी कुछ भी सीखे हैं उसको आपने जीवन में और अपने घर परिवार में और अपने विद्यालय में और जहाँ कहीं भी आप जाएं, यीशु को ज्योति को प्रज्वलित करते रहे, आपका जीवन सुखमय एवं सफल हो। मैं आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज मैं धन्यवाद देती हूँ, अभी कुछ ही क्षणों के बाद हम प्रीति भोज में जाएंगे, तो प्रीति भोज में जितने भी माता पिताएँ हैं, भाई बहन युवा संघ के हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत ही अच्छी तरह से प्रीति भोज तैयार किया है। मैं जितने भी प्रीति भोज तैयार करने वाले भाई बहन हैं, उनके संचालक फादर हैं, सभी को धन्यवाद देती हूँ और दुआ करती हूँ कि उनकी आयु लंबी हो, उनका घर परिवार धन दौलतों से भरा रहे और हम सभी को इसी तरह से वे अपना प्यार देते रहे। आज के इस दिन में मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे मंच संचालिकाओं को, प्रीति, मिस प्रीति और मिस सुमन को, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को सफल बनाया, अपने सुंदर वचनों के द्वारा हम सभी को अपनी ओर आकर्षित किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आप लोगों के द्वारा आज का यह प्रोग्राम अच्छी तरह से संपन्न हुआ। ईश्वर आपके कामों में हमेशा आशीष बरसाता रहे। और आज मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ हमारे साउंड सिस्टम वाले भाई को, आपका जो भी साउंड सिस्टम रहा शुरू से अच्छा रहा और कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो मैं आप सभी भाइयों को, जितने भी साउंड सिस्टम के सदस्य हैं, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपके अच्छे सहयोग और अच्छे काम के लिए। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और दुआ करती हूँ इसी तरह से आप जहाँ कहीं भी अपने कार्यों में जाएं, अपने कामों को अच्छी तरह से करते रहे और हमेशा प्रसन्न रहे। मैं सभी के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। पुनः मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ जिस किसी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर आप सभी के माँ बाप, दूर दराज से आए हुए सभी बच्चों के अभिभावकगण, सभी पारिस के माता पिताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपको इस जगह भेजा है। मैं आप सभी को, माता पिताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आगे का जीवन एवं सफल हो। और जो भी, जिस किसी को भी मैंने नहीं कह पाया, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि कहा जाता है उठकर प्रकाशमान हो जाइए, उठकर प्रकाशमान हो जाइए क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है। पृथ्वी पर अंधकार छाया हुआ है और राष्ट्र पर घोर अंधकार, लेकिन तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है। सचमुच आपके ऊपर प्रभु उदित हो रहा है। तो सभी कामों के लिए पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सभी बच्चे शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, अभी पुरस्कार की घोषणा होगी, इसके बाद आप प्रीति भोज के लिए संत लुईस स्कूल की ओर जाएंगे। तो अपने संचालक संचालिकाओं से मेरा आग्रह है, आप कृपया अपने बच्चों के साथ ही रहे और पंक्तिबद्ध लेने का कष्ट करें। बस थोड़ी देर, अभी पुरस्कार घोषणा होगी, उसके बाद हम प्रीति भोज के लिए जाएंगे। तो पुनः आप सभी चीज के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। हम लोग एक बार, तो मैं हमारे जजेस, हमारी शिक्षिका रांची माधरम प्रांत की मिसेस मत्ता टोपो को मंच में आमंत्रित करती हूँ। इनको सम्मानित करने के लिए आएंगे सिद्रोल स्कूल की कोई भी एक शिक्षिका या सिस्टर, कोई भी आप जल्दी से आइए। और इसके बाद तैयार रहेंगे सम्मानित करने की जान।
विद्यालयों की शिक्षिका मिसेस कमला बड़ा, फादर नीलम टिरू को मैं फादर नीलम टिरू से आग्रह करती हूँ आप मंच पर आएंगे। और मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ फादर बटर को, आप इसको सम्मानित करेंगे सिस्टर रेशमा। आप लोग तालियां बजाइए। प्रभु ने तुमको प्यार किया है, सिस्टर रेशमा के लिए तालियां। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, तो सब चीज के लिए हम सब चीज के लिए सबों को धन्यवाद देते हैं। हम एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, माता मरिया की, माता मरिया की, सभी क्रूसवीर बालक बालिकाओं की, सभी संचालिकाओं की, जवाब होगा क्रिस्ट राजा, क्रिस्ट राजा, क्रिस्ट राजा। आप मेरे पीछे दोहराएंगे एक बार, हम क्रूसवीर हैं, हम क्रूसवीर हैं, एक बार नहीं, जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए। मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाइए और यीशु ख्रिस्त के एक सैनिक, एक साहसी सैनिक बनते जाइए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। फूल से फूल मिले गुलशन बनके, फूल से फूल मिले गुलशन बनके, मैं आप सबों से फिर मिलूँगा गले का हार बनके। तो पुनः सबों को सब चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु। चलिए हम लोग भोजन के लिए यहीं पर प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे। क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र पुत्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे पिता परमेश्वर, अभी हम लोग जो अन्न अपने दिया है अपने हाथों से, अभी हम लोग उनको ग्रहण करने जा रहे हैं। उनको जिन्होंने पकाया है चाहे तो सहायता किया है, सबों को आशीष दीजिए। और जो अन्न हम लोग ग्रहण करेंगे उन पर भी आशीष दीजिए, ताकि हम लोग उसको ग्रहण करके हम लोग अपने शारीरिक मजबूती का अनुभव कर सकें, ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुरे से बचा, आमीन। पिता और पुत्र और पुत्र आत्मा की महिमा होवे। हे संत मरिया, हे संत योसेफ, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर से शांति में, प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर,
पिता और पुत्र और पुत्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। तो सबों को जय जय सो धन्यवाद। Yesu tumhe bula।